उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रातः 8 बजे से स्वामी जी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक किया गया। उसके बाद पंडित भूपेंद्र शर्मा के सानिध्य में हवन एवं यज्ञ हुआ। संत श्री गुरमुख दास उदासीन दीपक उदासीन ने अपने मुखारविंद से संगत को निहाल कर दिया। उन्होंने स्वामी लीला साह जी के जीवन पर प्रकाश डाला और स्वामी जी की मधुर मधुर भेंटें सुनाकर भक्तों को मंत्र मुग्ध किया। स्वामी जी की आरती के बाद भव्य भंडारा हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। गौशाला के ट्रस्टी डॉक्टर धर्मपाल ने स्वामी लीला साह जी को महान संत बताया। उन्होंने कहा, स्वामी जी गायों से बड़ा प्रेम करते थे। वर्ष 1955 में साईं ने 5 गायों से श्री कृष्ण गौशाला की स्थापना की थी। आज श्री कृष्ण गौशाला में लगभग 450 गौवंश हैं। संत शिरोमणि स्वामी लीलाधर महाराज जी का निर्वाण दिवस पे आप देख रहे हैं। कल यहाँ पे 2-5 गौओं का यहाँ पे हम लोगों ने भोजन कराया था और आज यहाँ पे सुबह से लेकर अमृत की वर्षा हो रही है। हमारे समाज के ही स्वामी गुरुमुख दास जी द्वारा उनके मुखारविंद से संगतों को सुबह से अमृत की वाणी का संचार कराया जा रहा है और आज का जो पावन पवित्र दिवस है उसको हम लोग अपने हृदय में बसा के और स्वामी जी ने जो हम लोगों को प्रेरणा दी थी उस प्रेरणा के चलने का हम मार्ग ढूंढ रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।